अहम खबर पीएफआई से जुड़ी हुई आ रही है। एनआईए ने कोर्ट में बताया कि केरल पीएफआई के नेताओं के संबंध बड़े आतंकी संगठन आईएसआईएस और अलकायदा से हैं। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि पीएफआई दूसरे समुदाय से जुड़े लोगों की हिटलिस्ट बना रहा है जिन पर हमले की आशंका है। तो पीएफआई के आतंकी कनेक्शन पर एनआईए का यह बड़ा खुलासा सामने आया है जिसके मुताबिक पीएफआई हमले के लिए लिस्ट बना रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल अर्पिता, एनआईए ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट केरला के जो एनआईए कोर्ट है उसमें दिया है और उसमें चौंकाने वाली जानकारी एनआईए की तरफ से दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये कई ऐसे जो नेता हैं उनकी लिस्ट बना रहा था। एनआईए ने जब छापेमारी की थी तो उस दौरान भी एनआईए को ऐसे कई सबूत और डिजिटल डिवाइस मिले थे। इसके अलावा जानकारी यह है कि एनआईए ने जो कोर्ट में जानकारी दी है उसमें ये बताया है कि पीएफआई के कनेक्शन जो है वो आईएसआईएस संगठन, इसके साथ ही अलकायदा और जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, इन तमाम संगठनों से हैं जो कि खतरनाक संगठन है और देश विदेश में अलग अलग जगहों पर कई आतंकी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। जिस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इन तमाम संगठनों से जुड़ा हुआ है, एनआईए अब ये चाहती है कि इस पर आज का समय उसको चाहिए और यही वजह है कि एनआईए ने केरल के एनआईए कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दिया है जिसमें कहा है कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद हैं उनकी वो फॉरेंसिक जांच कर रहा है, साथ ही विदेशों से जो फंडिंग हुई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को उससे जुड़ी हुई जानकारियां उसको हासिल करना है, इसलिए उसको जांच में और वक्त चाहिए। और इस बात को लेकर के उसने ये बताया कि जिस आईएसआईएस जैसा जो संगठन जो कि अफगानिस्तान के इलाकों में जहां पर नंगरहार का एरिया है वहां केरल से आईएसआईएस से जुड़े हुए लोग गए थे, उन लोगों के संपर्क में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जुड़े हुए कई लोग थे, जिस बात की जानकारी कोर्ट में एनआईए की तरफ से दिया गया है। अर्पिता, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।